तेंदुओं को रेस्क्यू करने पहुंची वन विभाग की टीम, लौटी खाली हाथ। लगातार ग्रामीण क्षेत्र के आसपास देखे जा रहे हैं जंगली जानवर, ग्रामीणों में भय का माहौल। शिकार के लिए लगाए गए फंदे में फंस गया था तेंदुआ, रेस्क्यू टीम के पहुंचने से पहले फंदा तोड़कर भागा। समूचे देश में घटते हुए जंगलों की वजह से जंगली जानवरों ने अपना रुख आबादी वाले क्षेत्रों की तरफ कर लिया है। इसकी वजह से इंसान और जानवरों में भिड़ंत होना अब आम बात हो गई है। ताजा खबर खनिया थाना के भोडन ग्राम के मजदार टपरिया से आ रही है। यहां पर अपने खेतों की रखवाली के लिए जंगली जानवरों से बचाव के लिए किसान ने एक फंदा लगाया था जिसमें तेंदुआ फंस गया। इसकी सूचना ग्रामीणों ने तुरंत ही मायापुर थाना और वन विभाग की टीम को दी, जिसके बाद पुलिस टीम और खनिया थाना की फॉरेस्ट टीम घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन खूंखार तेंदुए का रेस्क्यू करने के लिए कोई भी साधन यहां पर उपलब्ध नहीं थे, जिसके बाद फॉरेस्ट टीम ने जिले से रेस्क्यू टीम बुलाने का निर्णय लिया, जिसके बाद टीम आई और सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी खनिया थाना डिप्टी रेंजर रविशंकर पठेरिया, रेंजर अनुराग तिवारी अपनी पूरी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और वहां पर जांच शुरू की। जिले की मीना मिश्रा डीएफओ एसडीओ एमके सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और जिले से दूरी होने की वजह से फॉरेस्ट टीम को घटनास्थल तक पहुंचने में अधिक समय लग गया। इसकी वजह से अंधेरा काफी हो गया और अंधेरे का फायदा उठाकर तेंदुआ जाल को काटकर भागने में सफल हुआ। इसकी वजह से फॉरेस्ट टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। फिलहाल अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस और फॉरेस्ट की टीम जंगलों में सर्चिंग कर जंगलों में तेंदुए का पता लगाने का प्रयास कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम में तेंदुआ बुरी तरह घायल हो चुका था, इसलिए तेंदुए को रेस्क्यू करना आवश्यक हो गया है, अन्यथा वो किसी भी इंसान या पालतू जानवर पर हमला कर सकता है। सर, अभी सूचना मिली थी एक तेंदुआ यहाँ जाल में फंस गया था, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अभी 4:30 बजे ग्रामीणों द्वारा हमारे प्रक्षेत्र अधिकारी को ये सूचना प्राप्त हुई कि बीट मोटा में एक तेंदुआ बायर में फंसा हुआ है। तो हमारे प्रक्षेत्र अधिकारी ने तुरंत उसका प्रबंधन का कार्य किया और अपनी टीम लगा दी और हमारे पार्क के डॉक्टर साहब भी आ गए। हम लोग जब गए तो तेंदुआ निकल चुका था। तो सर, ये जो जाल में फंसा हुआ था, क्या ये जाल शिकारियों द्वारा लगाया गया था? जाल में नहीं, ये तो नहीं कह सकते, किसान के खेत पे था।